आज मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट करवाने जा रही हूँ। तो सर्कुलर फ्लो चक्रीय प्रवाह किसका? इनकम एंड प्रोडक्ट, आय और उत्पाद का। तो आय से हमारा अभिप्राय क्या है? मौद्रिक आय के प्रवाह से है। और प्रोडक्ट के प्रवाह से हमारा अभिप्राय क्या? वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह से है। चक्रीय प्रवाह क्यों कहा गया है? क्योंकि चक्र क्या होता है? ऐसे गोल होता है। तो ये प्रवाह भी एक घेरे के रूप में होता है। चक्र का ना कोई आरंभ होता है ना कोई अंत होता है, तो इस प्रवाह का भी कोई आरंभ और अंत नहीं होता, इसलिए इसको क्या गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था में क्या है? चार क्षेत्र होते हैं। पहला है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो क्या है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर? वह एक क्षेत्र जो वस्तु तथा सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। किसकी मदद से? हाउस होल्ड सेक्टर से कारक सेवाओं को भाड़े पर लेता है और वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। दूसरा सेक्टर से है हमारा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड क्या होता है? हमारा गृहस्थ क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जो कारक सेवाओं का क्या होता है? स्वामी होता है। कारक को आप क्या कह सकते हो? साधन भी कह सकते हो, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है। ये कई बार हम साधन शब्द लिख देते हैं, कई बार कारक शब्द लिख देते हैं। जो कारक सेवाओं का स्वामी होता है और यह अपनी सेवाएं किसको देता है? भाड़े पर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, और ये वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोगकर्ता होता है। तीसरा सेक्टर है वो हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? ये दो कार्य करती है, टैक्स एंड सब्सिडी। तो ये कर और सब्सिडी देने का कार्य करती है, कर लगाती है और सब्सिडी देने का कार्य करती है। कर किस पर लगाती है? ये हमारा जो है गृहस्थ क्षेत्र है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, दोनों पर टैक्स लगाती है। गृहस्थ क्षेत्र पर ये डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर पर दोनों ही टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं? जिस प्रकार से जिनका बोझ आगे नहीं डाला जा सकता, जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसका अंतिम बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और जिनके बोझ को आगे टाला जा सकता है, लगाए किसी और पर जाते हैं और अंतिम बोझ किसी और पर पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रोड्यूसर सेक्टर में जितने भी हमारे बिक्री कर है, उत्पादन कर है, ये क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। लेकिन इसमें भी एक कर ऐसा है जो प्रत्यक्ष कर है, जो हमारा कौन सा है? निगम कर, जिसको हम क्या कहेंगे? निगम कर, वो प्रत्यक्ष। तो दोनों प्रकार के कर लगाता है प्रोड्यूसर सेक्टर पर, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। जो चौथा सेक्टर है वो है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व अक्षेत्र। तो दुनिया, इसके साथ हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात करते हैं। जो वस्तु दूसरे देशों में भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं, जो मंगवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। इनके अलावा एक क्षेत्र है हमारा पांचवा, फाइनेंशियल सेक्टर या मनी मार्केट लिख सकते हो। यह वह क्षेत्र है जो जमा स्वीकार करता है और उधार देने का कार्य करता है। तो इसमें बैंक और सारी वित्तीय संस्थाएं आ गई। तो इन सब के साथ अब हम दिखाएंगे कि आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। तो इस प्रवाह को हमने चक्रीय प्रवाह कहा है कि एक चक्कर के रूप में है, इसके क्या कारण है? तो इसके हमारे क्या होते हैं? दो कारण हैं। पहला कारण हमारा क्या है कि जो वस्तु और सेवाएँ हैं उनका प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह होता है। या कह लो एक साइड तो हमारा क्या होता है? मनी फ्लो होता है, दूसरे साइड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होता है। जिस तरफ मुद्रा का प्रवाह होता है उसके दूसरी साइड क्या होता है? वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। तो जिस प्रकार से हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या गए? कारक, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तो ये हमारा लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, इंट्रापेन्योर। ये किस में गए? हमारे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम प्रोड्यूसर सेक्टर में गए। तो ये कौन है? गुड्स एंड सर्विसेज हैं। वहाँ से ये क्या लेकर आए? मनी फ्लो में क्या लेकर आए? यहाँ पर वो मजदूरी, वेज लेकर आए, और
हमारा लगान लेकर आए हैं, लाभ लेकर आए हैं, ब्याज लेकर आए हैं, तो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी हैं जो गुड एंड फॉर सर्विसेज फ्लो है, और जो मनी लेकर आए हैं मॉनेटरी फ्लो में पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज लेकर आए हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, मॉनेटरी फ्लो हो गया। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर हम एक कॉपी लेके आए, वो 10 रुपये की है, 10 रुपये की कॉपी के बदले में हाथ में कॉपी आई, वो वस्तु है, लेकिन जो 10 रुपये दे के आई वो क्या है, मुद्रा है। तो दोनों ओपोजिट साइड में होते हैं। दूसरा कारण है कि एक क्षेत्र की जो रिसिप्ट्स होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, वो दूसरे क्षेत्र के लिए क्या होते हैं, भुगतान होते हैं। और हमेशा ही क्या होते हैं, हमारे भुगतान व प्राप्तियां, वह जो प्राप्तियां हैं वो इक्वल होती हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्योंकि इसमें माना गया है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यानी इसमें हम कोई सेविंग नहीं करते, क्योंकि यदि सेविंग कर ली गई तो इस का चक्रीय प्रवाह कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको कंटिन्यूस रखने के लिए हम ये मानते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र किसी प्रकार की सेविंग नहीं करता, जितनी आय है उतना ही व्यय कर दिया जाता है। तो ये फ्लो हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक मॉनेटरी फ्लो होता है, फ्लो आय के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, दोनों साइड क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह होता है। तो मॉनेटरी फ्लो में हमारे, हम मानते हैं कि एक सरल अर्थव्यवस्था है, दो ही क्षेत्र हैं जिसमें, एक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, दूसरा हमारा क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, तो मॉनेटरी मुद्रा कहाँ से कहाँ गई, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, इसने जिस क्षेत्र को देते हैं तीर का निशान उसी के साइड आता, तो इसके अंदर जा रहा है, तो इसने इसको क्या दिया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह दो, कि ये यहाँ से वस्तुएं लेकर आया था उनके बदले में भुगतान कर दिया, ये उपभोग व्यय इस सेक्टर में गया। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दे दिया इसको, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, फॉर फैक्टर सर्विसेज। इस तरह से ये क्या है, हमारा मॉनेटरी फ्लो है, कि इस तरह से इस साइड में मनी गई है, इस साइड भी हमारी क्या आई है, मनी आई है। अब जो दूसरा है हमारा, वो होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में हमारा क्या दिखाते हैं, दोनों ही तरफ क्या दिखाते हैं, वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह दिखाते हैं। तो यहाँ हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये हमारा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आया, तो सिर्फ वस्तु तथा सेवाओं की, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में आई गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज वस्तु तथा सेवाएं आई। तो यहां से इस क्षेत्र से प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या गई, फैक्टर सर्विसेज, हम में से कोई यहाँ पर मजदूरी के रूप में काम करने गया है, कोई इंटरप्रेन्योर के, किसी ने अपनी ज़मीन इसको दी हुई है, किसी ने अपना पैसा इस सेक्टर को दिया हुआ है, तो वो फैक्टर सर्विसेज यहाँ पर गई हैं। तो ये फ्लो कौन सा था, मॉनेटरी फ्लो। अब हम करेंगे मॉडल, पहले है टू सेक्टर मॉडल, सेक्टर मॉडल, दो टू सेक्टर मॉडल्स, यह अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों, दो क्षेत्र कौन सा है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर में क्या दिखाता है, वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह तथा मुद्रा के प्रवाह को प्रकट करता है। तो फिर इसकी हम क्या लेंगे, अजम्पशन या मान्यताएं, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे मान्यताएं। तो इसमें मान्यताएं क्या है, टू सेक्टर, ये दो हमारे सेक्टर हैं, एक है हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा है हमारा हाउस होल्ड।
फिर इसके बारे में हम इनका अर्थ लिखेंगे कि प्रोड्यूसर सेक्टर वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता, हाउस होल्ड सेक्टर जो कारक सेवाओं का स्वामी होता है। दूसरी जो अजम्पशन है वो क्या है हमारी, कि अर्थव्यवस्था क्या है हमारी, बंद अर्थव्यवस्था है। मान लो इसमें बंद अर्थव्यवस्था है, मान लो इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई महत्व नहीं है, हम आयात और निर्यात इसमें नहीं किए जाते। तीसरा नो गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार का जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फिर चौथा है नो सेविंग, कि हम मानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर किसी प्रकार की कोई सेविंग नहीं करता, जितनी आय होती है उतना सारे का सारा खर्च कर दिया जाता है। तो अब हम दो सेक्टर मॉडल्स में बताएंगे, दो सेक्टर्स मॉडल को हम दो प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है विदाउट मनी मार्केट, विदाउट मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, कि बिना मनी मार्केट के लिए इसके हम इसको कैसे बनाएंगे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर यहाँ हमारा है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो अब इनमें हम टू सेक्टर मॉडल से हम मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है। लेकिन जब सेक्टर तीन हो जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ मनी फ्लो ही लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यदि दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। तो दो क्षेत्रीय मॉडल में हाउस होल्ड सेक्टर से इस क्षेत्र में क्या आ गई, फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज गई, और इस सेक्टर से इसमें क्या गई है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज। तो ये जो दोनों हैं ये क्या दिखा रहे हैं, रियल फ्लो दिखा रहे हैं। अब मनी फ्लो के रूप में ये जब फैक्टर सर्विसेज गई थी तो बदले में मुद्रा के रूप में दूसरे हाथ में क्या लेके आई थी, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, मजदूरी ब्याज लगान के रूप में आय लेकर आई थी, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। और यहाँ तो ये हमारा अंदर वाली रेखा क्या है, मॉनेटरी फ्लो है। और इसने हाउस होल्ड सेक्टर ने जब वस्तु था सेवाएं ली तो उनके बदले में क्या करेगा, ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया, ये मॉडल था जब हमारा कोई मनी मार्केट नहीं है। लेकिन दूसरा हम बनाएंगे विद मनी मार्केट, मनी मार्केट के साथ। मनी मार्केट में मैं अलग से बनाने के बजाय इसी में क्या दिखा रही हूँ आपको, मनी मार्केट बना देते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट भी लिख सकते हो। तो यहाँ मेरी है मनी मार्केट। तो क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी क्या करता है, सेविंग करता है। तो सेविंग किस में जाती है, मनी मार्केट में, ये बैंक वगैरह में पैसा जमा करता है। ये प्रोड्यूसर सेक्टर भी क्या लेता है, उधार लेता है। तो सेविंग तो अंदर चली गई, बोरोविंग इस सेक्टर के पास आ गई। हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करता है, हमारा सेविंग करता है तो मनी मार्केट में पैसा चला जाता है, और जब बोरोविंग करता है तो इसमें पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं कि ये सिर्फ, ये तो सेविंग करता है हाउस होल्ड और ये सिर्फ इन्वेस्ट करता है। नहीं, वो गलत है। दोनों ही, बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो सेविंग करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो बोरोविंग करते हैं। तो ये हमारा दोनों ही हमें दर्शाने हैं, सेविंग और बोरोविंग। तो ये हमारा क्या था, टू सेक्टर मॉडल था। अब हम कर रहे हैं थ्री सेक्टर मॉडल। तो थ्री सेक्टर मॉडल्स में हमारा क्या है, तीन क्षेत्रीय मॉडल है। तीन क्षेत्रीय मॉडल में पहला हमारा क्या होगा, कि यह मॉडल जो है थ्री सेक्टर मॉडल्स अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रों को मानकर चलता है। तीन क्षेत्र हमारे कौन से हैं, पहला है हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा है हमारा हाउस होल्ड, और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट सेक्टर। ये वास्तविकता के नज़दीक है क्योंकि इसमें सरकार का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप को शामिल किया गया है। फिर इसके आधार पर इसकी मान्यताएं लेंगे। मान्यताओं में पहली मान्यता तो यही रहेगी कि अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रों को माना गया है। ये अभी भी क्या है, दूसरी मान्यता ये कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था को माना गया है, आयात और निर्यात के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया। फिर ये तीसरी मान्यता ये रहेगी हमारी कि नो सेविंग को, कोई सेविंग नहीं की जाती, जितनी भी सेविंग है वो जितना भी हमारा आय प्राप्त होती है वो सारी की सारी क्या कर दी जाती, खर्च कर दी जाती। तो इसको आधार लेकर फिर हम बनाएंगे मॉडल। तो ये हमारा प्रोड्यूसर, यहाँ हम लेंगे हाउस होल्ड, यहाँ हम लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके बीच में हम ले लेते हैं मनी मार्केट। तो अब हम सिर्फ मॉनेटरी फ्लो को दिखाएंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आया है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज इसने इसको क्या दिया है, प्रोड्यूसर सेक्टर को इसने दिया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वही पहले टू सेक्टर मॉडल बना लो, फिर हम क्या करेंगे तीसरा सेक्टर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मनी के रूप में तो यही था इसका, जब मॉनेटरी फ्लो दिखाते प्रोड्यूसर सेक्टर का और हाउस होल्ड सेक्टर का। इसके साथ साथ सेविंग यहाँ चली गई, बोरोविंग यहाँ आ गई, इसमें भी सेविंग की इस मार्केट में आ गई, बोरोविंग की वो वहाँ चली गई। तो इनका यही रिलेशन था। अब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हाउस होल्ड सेक्टर का क्या है, क्या देता है गवर्नमेंट सेक्टर को हाउस होल्ड, डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसको डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स वगैरह का भुगतान करता है। तो इस सेक्टर के गवर्नमेंट सेक्टर उसको क्या देता है, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जो एक तरफा भुगतान होते हैं जिसके बदले में वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह में जिनका कोई योगदान नहीं, जैसे बुढ़ापा पेंशन है और ये हमारा इसके साथ छात्रवृत्ति वगैरह है, तो ये एक तरफा होते हैं, इसका संबंध खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ क्या संबंध है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है, टैक्सेस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं लिखोगे, पेमेंट फॉर टैक्सेस लिख दो प्लस में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बुकों में क्या मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं जो कि गलत हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जिस तरह निगम कर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर ही देता है जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और जितने भी जीएसटी हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो वो भी प्रोड्यूसर सेक्टर देता है। तो बिक्री कर है हमारा, उत्पादन कर है, तो ये इस सेक्टर में आ गया। सरकार ने उस इस क्षेत्र को क्या दिया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड, अब हमने कहा सरकार क्या करती है, सरकार को भी अपने कर्मचारियों के लिए क्या करनी पड़ती है, वस्तुएं खरीदती है, गाड़ियां खरीदती है, स्कूल हैं उनके लिए चेयर्स फैंस ये खरीदती है, तो इसी सेक्टर से लेती है। इसके बदले में सरकार क्या करती है, पेमेंट करती है। क्या और कोई रिलेशन है, हाँ, सरकार इस सेक्टर को एक और चीज़ भी देती है, जो क्या देती है, सब्सिडी। जब सरकार ये चाहती है कि कम से कम कीमत पर सब लोग उस वस्तु का प्रयोग करें तो सरकार उसको क्या देती है, आर्थिक सहायता दे देती है, कि सिलेंडर 700 रुपए का है, सरकार उसको चाहती है कि हर व्यक्ति इसका प्रयोग करे, तो सरकार 200 रुपए की सब्सिडी देकर उसको सस्ता करवा देती है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के खाते में पर सिलेंडर 200 रुपए सरकार देती है, वो जो हमारा हाउस होल्ड है उसको वो सिलेंडर क्या पड़ेगा, 500 रुपए का पड़ेगा। इस प्रकार ये हमारा क्या है, तीन क्षेत्रीय मॉडल है। अब इसमें